फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए ये दानेदार सूजी का हलवा बनाया है जो बहुत टेस्टी है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे फुल वीडियो को वॉच कीजिए, इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल जायका फ्यूजन को सब्सक्राइब कीजिए। सूजी का टेस्टी और दानेदार हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कटोरी ले ली है और उसमें ली है हाफ कटोरी सूजी और एक कटोरी चीनी। तो एक ही कटोरी का मेजरमेंट रखिएगा, हमें जितनी सूजी लेनी है चीनी उससे डबल लेनी है, हाफ कटोरी सूजी और एक कटोरी चीनी। अब मैंने एक हेवी बॉटम कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए तब उसमें सूजी डाल दीजिए। हमें सूजी को तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। मीडियम फ्लेम पर सूजी को फ्राई करते रहिए। अब सूजी को फ्राई करते हुए इसका कलर चेंज हो गया है, लाल कलर आ गया है थोड़ा सा। बस अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए, नहीं तो सूजी जल जाएगी। अब मैंने एक बर्तन में जिस कटोरी से मैंने सूजी का मेजरमेंट किया था उसी कटोरी के माप से मैंने डेढ़ कटोरी पानी ले लिया है। अब मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। चीनी डालने के साथ ही अच्छे से चला लीजिए। इसके बाद इसमें मैं एक पिंच फूड कलर डाल रही हूं, आपके पास अगर सैफरन हो तो आप सैफरन डाल सकते हैं, उसे टेस्ट और फ्लेवर और अच्छा आता है। तो मेरे पास आज नहीं है तो मैंने फूड कलर मिलाया है। उसके बाद ये कुटी हुई इलायची, छोटी इलायची फ्लेवर के लिए, और थोड़ा सा केवड़ा वाटर। हमें कोई एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस हमें चीनी को इसमें मेल्ट कर लेना है। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको अलग हटा के रख देंगे। अब एक कढ़ाई में मैंने फिर से 1 टेबलस्पून ले लिया है देसी घी और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हैं, काजू, बादाम और किशमिश, तो मैं इसमें डाल दूंगी। सबसे पहले काजू और बादाम, हमें ख्याल रखना है कि हमारे ड्राई फ्रूट्स जल ना जाएं। ये फ्राई हो गए हैं, अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फ्लेम को ऑफ करने के बाद मैं इसमें किशमिश डालूंगी। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स फ्राई करने के बाद कढ़ाई में जितना घी बचा था उसके ऊपर मैंने 1 टेबलस्पून घी और मिला दिया है। अब हमें सूजी को इसमें डाल देना है। अच्छे से घी के साथ सूजी को मिला लीजिए। घी के साथ जब आप सूजी को मिलाते हैं और भूनते हैं तो बहुत अच्छी एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब ये पूरी चाशनी धीरे धीरे इसमें डाल दीजिए। चाशनी बिल्कुल गर्म होनी चाहिए, इसे गर्म ही डालिएगा। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो जाए तो इसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा। इसके बाद के प्रोसेस में हमें इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। फ्लेम को हाई पे कर दीजिए और इसे चलाते रहिए। हमें इसे तब तक चलाते रहना है जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है, मतलब सूजी बिल्कुल गाढ़ी नहीं हो जाती है और पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है। तो हमें इसे तब तक चलाते रहना है। हलवा काफ़ी गाढ़ा हो गया है और ये बबल्स इसमें से उछल उछल के बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि बिल्कुल ये अब तैयार होने वाला है। तो अब हम इसमें ये ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। थोड़ी सी देर और चलाना है। ये आपका हलवा बिल्कुल तैयार है। इतना दानेदार और इतना बढ़िया फ्लेवरफुल हलवा बना है। तो इस तरह से अगर आप बना के अपने फ्रेंड्स को खिलाएंगे तो आपको ज़रूर तारीफ मिलेगी। तो प्लीज़ मेरे फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा और मेरे स्टेप फॉलो करते हुए आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। तो अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया दानेदार बना है, देख के ही मुंह में पानी आ जाए। तो आप भी इस तरह से बनाइए हलवा सूजी का और इसे एंजॉय कीजिए।